जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल, Facebook चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि के अक्टूबर के मासिक राशि फल के बारे में। कैसी होगी मकर राशि की धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, संतान की, नौकरी की, दाम्पत्य की, प्रेम की और उनके व्यापार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सितंबर के महीना का मकर राशि वालों के साथ मुख्यतः क्या क्या घटनाएं हुई। तो चार घटनाएं आप लोगों ने मुझे टेलीफोनिकली शेयर की हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली जो सितंबर में हुई मकर राशि वालों के साथ में, उनकी कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के योग बने। दूसरा, उन्होंने बताया कि विदेश संबंधी उनका कोई ना कोई धन, कोई मामला, कोई काम बनता हुआ नजर आया। तीसरी घटना बताई कि जो पुराना विवाद था, पुराने जो कष्ट थे, वो सितंबर के महीने में वो वाद विवाद, वो कष्ट खत्म हुए। चौथा जो बताया कि काफ़ी बीमार रहा, ENT की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम सितंबर के महीने में रही। अब अक्टूबर में जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के साथ सात कौन सी घटना घटने वाली है। सबसे पहले पहली पे चर्चा कर लेता हूँ। मेरा नाम सुखमीत कौर है, मैं कनाडा की रहने वाली हूँ। तो मैं इन्हां नूं बहुत प्यार करनी हूँ और मेरे घर वाले मान गए हैं और इनके घर वाले नहीं माने हैं। बस एक बार चैनल देखा था, टीवी पे चैनल देखा था, पंडित जी का प्रोग्राम आ रहा था, पंडित प्रकाश जोशी जी का। उनके शरण में गए, उनसे सारी अपनी परेशानियां बताई और उन्होंने हमें जो जो बताया हमने वो किया। आज उनकी कृपा से इनके साथ मेरी शादी हो गई है और खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जय हो पंडित प्रकाश जोशी जी की। वो होगी स्वास्थ्य भाव में। स्वास्थ्य भाव में गुरु और शनि दोनों अक्टूबर के महीने में बैठ रहे हैं, इसलिए अक्टूबर के महीने में जिम, योग, मेडिटेशन की शुरुआत होगी। मोटापा कम करने का कुछ ना कुछ आप प्रयास करेंगे। कुल मिला के स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी रहेगी। विपरीत राजयोग बन रहा है तो दो जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी। पहला, रेंटल इनकम आपकी अच्छी खासी शुरू हो जाएगी। दूसरा, जो भी आपने निवेश किया है उसका कुछ ना कुछ मुनाफा आपको मिलेगा। तीसरी जो घटना हो रही है वो परिवार भाव में हो रही है। परिवार भाव के स्वामी इस वक्त शत्रु राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके परिवार में युवा सदस्य हैं, जो कि आपके 10 से लेकर और 25 साल के बीच के युवा सदस्य हैं, उनके द्वारा क्लेश, वाद विवाद उत्पन्न होगा या युवा सदस्यों का वाहन में खर्चा होने का योग बन रहा है। इसी प्रकार से चौथी घटना की बात करें वो संतान भाव में, और इस संतान भाव के स्वामी है शुक्र, और शुक्र इस वक्त वृश्चिक राशि यानी कि शत्रु राशि में जा रहे हैं, जिससे कि 2 अक्टूबर के बाद शुक्र हो जाएंगे निर्बल, तो संतान को हेल्थ के इशू रहेंगे, नेत्र के, त्वचा के, बीपी के, और बुरी लत संतान पे बढ़ सकती है। तो कुल मिला के संतान के लिए अक्टूबर का महीना बहुत लाभकारी नहीं है। नौकरी भाव में देखा जाए तो नौकरी भाव के स्वामी बुध हैं। बुध इस समय पे वक्री हो रहे हैं कन्या राशि के अंदर, तो ऐसे में देखा जाए तो ऑफिस में देखा जाए तो नौकरी में एक तो परिवर्तन या स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण के प्रबल योग अक्टूबर के महीने में चल रहे हैं, और देखा जाए तो किसी के वाद विवाद में आपका नाम आ सकता है या किसी विवाद में ऑफिस में आपका नाम आ जाएगा। अब छठी जो घटना देखी जाए तो वो दाम्पत्य सुख में बन रही है। दाम्पत्य सुख भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हुए हैं, इसलिए देखा जाए तो पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिकाओं दोनों का अगर देखा जाए तो पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा आपकी लिखी हुई अक्टूबर के महीने में। माँ और पत्नी के संबंध अच्छे हो जाएंगे, उनके जो वाद विवाद थे वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं अक्टूबर के महीने में। सातवीं जो घटना हो रही है वो व्यापार भाव में हो रही है। व्यापार भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, जो कि इस वक्त शत्रु राशि में अक्टूबर में बैठेंगे, तो ऐसे में देखा जाए तो जो शुभ काम आपके व्यापार में होने वाला है, जो शुभ काम या शुभ डील आपकी होने वाली है वो डिले हो सकती है या कैंसिल भी हो सकती है। व्यापार में कोई नया ऑर्डर आपको मिलने वाला है तो वो शुक्र शत्रु राशि में होने से वो कैंसिल हो सकता है, और ऑफिस में खर्चा बहुत अधिक रहेगा। तो कुल मिला के अक्टूबर का महीना मकर राशि वाले व्यापारियों का बैड लक वाला रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।